हम इस वक्त बिहार विधानसभा परिसर में खड़े हैं और बात कर रहे हैं विधानसभा में 12 फरवरी को होने वाले शक्ति परीक्षण की। 12 फरवरी वो तारीख है जब बिहार की नई एनडीए सरकार, जिसके मुखिया नीतीश कुमार ही हैं, उस सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। अब अपने अपने खेमों के लिए अपनी अपनी तैयारी है। विपक्ष का खेमा अलग तैयारी कर रहा है और जो सत्ता पक्ष है वो अलग से तैयारी में जुटा है कि विश्वास मत कितनी आसानी से हासिल कर लिया जाए। 12 फरवरी को सबसे पहले विधानसभा परिसर में राज्यपाल का आगमन होगा, जो बिहार के राज्यपाल हैं वो दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे, उनका अभिभाषण होगा और उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है वो बढ़ेगी। सरकार ने इसी दिन विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में पेश करने का फैसला किया है और विश्वास मत, जिसे फ्लोर टेस्ट भी कहा जाता है, फ्लोर टेस्ट के पहले कांग्रेस को यह आशंका सताने लगी कि उसके विधायकों पर सत्ता पक्ष की नहर हो सकती है और इसीलिए कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया। ये खबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब क्या सत्ता पक्ष के अंदर भी सेनमारी का डर है? ये सवाल इस वक्त बिहार के सियासी गलियारे में लगातार चर्चा के केंद्र में है। जेडीयू के विधायकों पर टूट की आशंका या विधायकों का एक धड़ा अलग हो सकता है, ये कयास पहले से लगते रहे हैं और जब जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह थे उसके पहले ही ये आशंका जताई गई थी कि एक अलग से बैठक हुई, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई वो सारी चीजें नीतीश कुमार तक भी पहुंची थी और उसका नतीजा रहा कि बाद में नीतीश कुमार ने ही पाला बदल दिया, आरजेडी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले आए, एनडीए गठबंधन में चले आए। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की वापसी के बाद क्या जेडीयू में टूट का जो खतरा है वो टल गया है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि 12 फरवरी को इसकी अग्नि परीक्षा होनी है, लिटमस टेस्ट होना है विधानसभा के अंदर। अब जेडीयू के जो कुल 45 विधायक हैं, उन विधायकों में से कई विधायकों के आरजेडी के संपर्क में रहने के दावे होते रहे हैं, आरजेडी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, लेकिन अब दावे हो रहे हैं कि बीजेपी के भी विधायकों पर विपक्ष की नजर है। मतलब ये कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के अलग होने के बाद जो खेला होने के दावे करते रहे हैं उसको कहीं ना कहीं विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में खेल के तौर पे देखा जा रहा है। अब यह आंकड़ा हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं जिसमें से 122 का जो नंबर है वो मैजिक फिगर है और इस मैजिक फिगर से 6 विधायकों की ज्यादा की संख्या वो मौजूदा गठबंधन के पास है जिनकी सरकार है बिहार में, 128 की संख्या है। तो कितने ऐसे विधायक हैं जिनको तोड़ा जाए या उनको अलग गुट की मान्यता दी जाए या उन विधायकों को एब्सेंट करा दिया जाए, अनुपस्थित करा दिया जाए, तो खेल बिगड़ सकता है सरकार का। अब जानकार ये मानते हैं कि जो 122 का नंबर है उस 122 के नंबर के समानांतर अगर विपक्ष के आंकड़े हों और दूसरी तरफ कई विधायकों को सत्ता पक्ष से अगर अनुपस्थित करा दिया जाता है, अगर वाकई तेजस्वी यादव लालू यादव ये खेल कर पाते हैं तो नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ जाएगी और नीतीश सरकार जो है वो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। तो क्या इस बात की संभावना है कि जेडीयू के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक और बीजेपी के भी कुछ विधायकों को विधानसभा में अनुपस्थित करा दिया जाए विश्वास मत के दौरान? अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा झटका होगा सरकार के लिए। लेकिन जो चर्चा हम आपसे कर रहे हैं उसकी चर्चा बिहार के सियासी गलियारे में है, बीजेपी के अंदर खाने भी है, जेडीयू के भी अंदर खाने हैं और यही वजह है कि विधायकों पर लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, विधायकों पर नजर भी रखी जा रही है। जो ज्यादातर विधायक हैं वो अभी पटना में नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में है, लेकिन ये कहा गया है कि सभी विधायक जो हैं वो 10 फरवरी या 11 फरवरी तक पटना पहुंच जाएं और हर विधायक के पीछे कुछ नेताओं को लगाया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है लेकिन जेडीयू के अंदर भी और बीजेपी के अंदर भी विधायकों पर नजर रखी जा रही है। डिप्टी सीएम जो हैं बीजेपी के दोनों, उन्होंने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, आज नई सरकार की कैबिनेट की दूसरी बैठक भी हुई, कई एजेंडों पर मुहर भी लगी, लेकिन असल परीक्षा जो है वो 12 फरवरी को होनी है बिहार विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट होगा। और इस बीच दांवपेच क्या हो रहा है एनडीए, हमने बार बार चर्चा की है, कई बार खबरें दिखाई हैं कि जो महागठबंधन का खेमा है उसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल एनडीए खेमे के अंदर क्या चीजें चल रही हैं। एक ये कि जेडीयू और बीजेपी दोनों ये ठोक बजा लेना चाहती हैं कि उनके विधायक एकजुट हैं,
उनके विधायकों में कोई टूट की आशंका नहीं है या विधायकों पर जो डोरे डालने वाली बात होती है वो बातें जमीन पर नहीं है, पहली। दूसरी बात, जीतन राम मांझी जिनकी बार बार ये डिमांड रही, जीतन राम मांझी बार बार जो कहते रहे कि उनको बड़ा मंत्री पद मिलना चाहिए या दो मंत्री पद मिलना चाहिए, वो चीज़ें अभी बीजेपी या जेडीयू ने कमिट नहीं की है, मतलब उसको जमीन पर नहीं लाया गया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि एक रोटी से जब पेट नहीं भरेगा तो दो रोटी और तीन रोटी वो मांगेंगे अपने नेताओं से। अब मांझी का अपना मूड है, अपना मिजाज है, अपने मुताबिक वो मांग करते हैं। संतोष सुमन जो उनके बेटे हैं और सरकार में जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा चुकी है, वो नीतीश कुमार से जाके कल रात ही मिल चुके हैं। तो अब शंका कहाँ है? शंका इसलिए है कि जीतन राम मांझी के जो चार विधायक हैं उनकी वजह से विधानसभा में खेल बन या बिगड़ सकता है, अगर वाकई जो जेडीयू और बीजेपी के दूसरे विधायकों को अगर अनुपस्थित करा दिया जाए विश्वास मत के दौरान सदन में, तो जो नंबर्स हैं बीजेपी के और जेडीयू के विधायकों के विधानसभा में वो नंबर इतने बड़े हैं कि उन नंबर्स के अंदर जो जरूरी होता है किसी भी दल को तोड़ने के लिए विधायकों की संख्या दो तिहाई, वो संख्या पार पाना या उससे तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन विधायकों की अनुपस्थिति से भी खेल बन या बिगड़ सकता है। तो एक तरफ जहां सत्ता पक्ष सचेत है, सावधान है कि ऐसा कोई खेल लालू यादव तेजस्वी यादव कर ना पाए, वहीं दूसरी तरफ कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है तेजस्वी यादव और उनके रणनीतिकारों की तरफ से, जिससे नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए और सरकार में गए तो उस सरकार का विश्वास मत का खेल बिगाड़ा जा सके। 12 फरवरी को विधानसभा में क्या होगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबर है, तीन विधायक उनके नहीं गए हैं, उन तीन विधायकों को कहा भी गया कि आप हैदराबाद जाइए लेकिन वो गए नहीं है। कांग्रेस के बहुत सीनियर विधायक हैं विजय शंकर दुबे, वो वापस भी आ गए हैं और उन्होंने बाजाबता कहा है कि पार्टी के नेताओं को उन्होंने इसकी जानकारी दी है, वो अपने सीमान क्षेत्र में है। तो खेल जो चल रहा है उस खेल के बीच दो तीन जगह पर घटनाक्रम हो रहे हैं। पहला घटनाक्रम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो दिख रहा है, जहां हैदराबाद ले आकर के विधायकों को रखा गया है और कहा जा रहा है कि 12 फरवरी को उनकी वापसी होगी जब फ्लोर टेस्ट होगा, और दूसरी तरफ जो बीजेपी और जेडीयू है उन्होंने अपने विधायकों पर नज़र कड़ी करके रखी है कि कहीं कोई खेल लालू यादव तेजस्वी यादव कर ना पाए। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने में सफल होंगे? क्योंकि अब तक का इतिहास यही रहा है, बीजेपी इस बार साथ है लेकिन समीकरण इसलिए भी चुनौती वाले हैं क्योंकि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के चंद महीनों के बाद या यूं कह लीजिए कि तुरंत बाद लोकसभा चुनाव का बिगुल बजना है। कौन भारी पड़ेगा, कौन जोड़ तोड़ के खेल में आगे निकल जाएगा, इसको लेके फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए हम इसी तरह लाते रहते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। शशिभूषण, बिहार तक, पटना।